हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में। देखिए, हम मिडिवल इंडिया के रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, राइट? हमने सूफी मूवमेंट को प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम डील करेंगे भक्ति मूवमेंट के साथ के भक्ति मूवमेंट क्या था। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि भक्ति क्या होती है, मतलब पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से, पूरे मन से किसी को याद करना, किसी एक भगवान के बारे में सोचना, उन्हें याद करना, नमन करना, यही भक्ति होती है नॉर्मल सी भाषा में कहें तो। बस एक्चुअल में जो यहाँ बताई गई ना, वो भक्ति भी सेम ही है ऑलमोस्ट। सो भक्ति जो मीनिंग है, ठीक है, भक्ति जो टर्म है, इसका मीनिंग है डिवोशन, पूर्ण श्रद्धा के साथ किसी को याद करना, ठीक है। इट एम्फेसाइज्ड ऑन, इसने किस चीज़ पे है जो ज़्यादा फोकस किया उसके बारे में का बताया है, तो लव ऑफ अ डिवोटी टूवर्ड्स अ पर्सनल गॉड। कोई भी एक जो पूजा कर रहा है, उपासक है, उसका प्रेम अपने ईश्वर के लिए, ठीक है। तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी, पेपर पेन उठा ले और नोट्स बनाना, जल्दी से स्टार्ट कर दे। सो इट वॉज ऑरिजिनेटेड इन साउदर्न इंडिया। कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था? साउदर्न इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, और सेंचुरीज का क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कब हुआ था। तो 7वीं से 10वीं सेंचुरीज, बिटवीन 7 to 10 सेंचुरीज कॉमन इरा में ये डिवॉल्व हुआ था, मोस्टली इन द पोइम्स ऑफ अलवर्स एंड नयनर्स। जो अलवर्स थे और नयनर्स थे, उनकी पोइम्स से हमें पता चलता है कि ये साउदर्न इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ था सबसे पहले। अब अलवर और नयनर कौन होते हैं, ये बड़ा कंसेप्ट रहता है। तो देखिए, जो भक्ति मूवमेंट है ना, इसमें पढ़ने वाला है कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, क्या एम था, टाइम पीरियड क्या था, अलवर और नयनर कौन थे, और फॉर्म्स ऑफ भक्ति। यानी कुछ लोग कहते हैं कि हमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि फॉर्म होनी चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, ताकि हम किसी चीज़ को अपने माइंड में रख के पूजा कर सकें, तो उसको निर्गुणा और सगुणा बोलते हैं। इस तरह से हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, तो बस आप एंड तक ज़रूर बने रहें, बिलीव में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो एक तो फॉर्म्स हो गई भक्ति की, और एक हो गई अलवर एंड नयनर, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो अलवर्स वो होते हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और नयनर्स होते थे जो शिव भगवान की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये तो आपको खुद याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन इट स्प्रेड टू नॉर्दर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, फिर उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में फैल गया। एम, अब इसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, ठीक है, अब हम वो जानेंगे। तो वो था टू ब्रिंग रिलीजियस रिफॉर्म्स टू ऑल द स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है, समाज है, उसके हर एक स्ट्रेटा होता है, मतलब हर एक लेयर तक, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, हर एक जगह तक धर्म के संबंध में सुधार लाना। कैसे? बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशन टू अचीव सेल्वेशन। भक्ति के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को फैलाना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो अभी हमने जाना कि ये साउदर्न इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, फिर हमने जाना कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे उसके बाद ये स्प्रेड हुआ। तो बस उसी के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। साउदर्न इंडिया में 7वीं सेंचुरी में, नॉर्दर्न इंडिया में 12th to 13th century, ये आपको याद रखना है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे भगवत गीता के बारे में बताया गया है कि इंट्रोड्यूस्ड भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ फेथ और डिवोशन, एज वन ऑफ द 3 ways ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम एंड रिलीज। स्पिरिचुअल फ्रीडम होता है कि मतलब आपकी आत्मा को जो स्वतंत्रता मिलती है, ऐसा कुछ समझ लो, मतलब एक तरह से आप एनलाइटमेंट जो अचीव करते हैं, है ना, आपको पता चल जाता है कि ये सब भोग की दुनिया है, ये सब माया है, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ी पूजा पाठ वाली बातें यहाँ पे की गई हैं। तो भक्ति के थ्रू एक तरह से आप क्या कहते हैं, मोक्ष, सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, द पाथ ऑफ फेथ और डिवोशन। और बाकी के दो क्या हैं, 3 ways बताए ना भगवत गीता में, तो भक्ति मार्ग के बारे में बताया कि भक्ति के थ्रू आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के 2 ways हैं, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग होता है द पाथ ऑफ वर्क, अपना काम करते जाइए आपको मोक्ष मिल जाएगा, या फिर द पाथ ऑफ नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए, आपको फिर वैसे ही मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। नाउ उड़ीसा भक्ति मूवमेंट। उड़ीसा में भी भक्ति मूवमेंट चला था, वो इसी की ब्रांच थी। उसका सेंटर था जगन्नाथ टेम्पल, या जगन्नाथ जो इनके देवता होते हैं वो। इसे जन मिश्रिता भक्ति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रीजंस बिहाइंड द मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट तो हुआ, बट इसके स्टार्ट होने के रीजंस क्या थे? पहला तो था स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है। सेकेंड था एमर्जेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, बड़े बड़े सुधारक आ रहे थे। अब नए नए सुधारक आएंगे तो वो कुछ सुधार भी तो करेंगे ही,
ठीक है। थर्ड था रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन, जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी एक रिएक्शन था, राइट। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, तो एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी पेपर पेन हाथ में लें और नोट्स बनाना अभी के अभी स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉमन टीचिंग्स, मतलब भक्ति मूवमेंट क्या आदेश देता है, क्या इसने मतलब टीचिंग्स दी उनके बारे में। तो पहला है प्रीस्ट इक्वलिटी, सब इक्वल है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, किसी भी बेस पे, ना कास्ट के बेस पे ना किसी बेस पे। जैसे इसमें वीवर्स, कॉबलर्स, बार्बर्स, हर एक काम करने वाले आपको इसमें संत मिलेंगे, जैसे कबीर थे, ठीक है, वो वीवर थे, इस तरह से। प्रीस्ट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल भाईचारे की भावना इन्होंने जो है फैलाई। कबीर ने भी अपने दोहास के थ्रू कहा है ये इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। रिड फ्रॉम द एविल प्रैक्टिसेस, जो बुरी बुरी प्रथाएं थी ना हमारे समाज में, उनसे रिड मतलब शांति मिली। जैसे कि ये जो भक्ति मूवमेंट के संत थे, दे कंडेम्ड कास्ट डिफरेंसेस, जो कास्ट के बेस पे डिफरेंस किया जाता था उसकी उन्होंने निंदा की, ठीक है। नो मेथड ऑफ प्रमोशन, कैसे प्रमोट करते थे ये अपने टीचिंग्स को, लोकल लैंग्वेजेस के थ्रू, कोई संस्कृत नहीं, कोई पाली नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे सिंपल है, जो लैंग्वेज लोग बोलते हैं डेली लाइफ में उसी लैंग्वेज के थ्रू ये प्रचार करते थे, राइट। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ भक्ति, जिसके बारे में मैंने बात की थी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो फॉर्म्स होती हैं भक्ति की, एक होती है निर्गुणा भक्ति, एक होती है सगुणा भक्ति, ठीक है। निर्गुणा भक्ति क्या होती है, फॉर्मलेस, कि इसमें आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, किसी पॉइंट पे फोकस करेंगे और फिर अपना ध्यान लगाएंगे। फोकस होता है नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना। इंट्रोड्यूस्ड बाय आदिशंकरा, आदिशंकरा ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। प्रोपोनेंट्स यानी इसको फैलाने वाले कौन थे, कबीर, गुरु नानक देव। इसका मतलब जो कबीर और गुरु नानक थे वो फॉर्मलेस या निर्गुणा भक्ति के उपासक थे, ठीक है। सगुना भक्ति के कौन थे, फॉर्म होनी चाहिए, मतलब कोई मूर्ति होनी चाहिए जिसको आप ध्यान में रखकर उनकी पूजा कर सको, ये इनका मानना था, ठीक है। फोकस था लव और डिवोशन, प्रेम या जो भक्ति है वो इनका फोकस था। प्रोपोनेंट्स थे मीराबाई, रामानुज, तुलसीदास, ठीक है। तो अब देखिए, अभी तक हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है भक्ति मूवमेंट का, अब हम जानेंगे सम फेमस प्रोपोनेंट्स, मतलब जो कुछ फेमस उपासक थे, जैसे मीराबाई हो गया, कबीर हो गया, तो बस हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ना इसमें, वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वैसे तो बहुत ज़्यादा है, हम उन सबको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो पहले आते हैं कबीर। कबीर क्या थे, एक वीवर थे, ठीक है। बिलीव्ड इन निर्गुणा भक्ति, निर्गुणा भक्ति मतलब फॉर्मलेस भक्ति में बिलीव करते थे। हिज फॉलोअर्स कॉल देमसेल्व्स एज कबीर पंथीज, जो इनके फॉलोअर्स थे वो खुद को कबीर पंथीज कहते थे। टीचिंग्स इन द फॉर्म ऑफ दोहास, इनकी जो टीचिंग्स हैं वो दोहों की फॉर्म में हैं। एम्फेसाइज्ड ऑन सिंप्लिसिटी, सादगी पर इन्होंने बहुत फोकस किया है। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें कि निर्गुणा भक्ति के थे, असगुणा भक्ति के थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सूरदास है डिसिपल ऑफ वल्भाचार्य, वल्भाचार्य के शिष्य थे। लॉर्ड कृष्णा और राधा की पूजा करते थे सूरदास। इन्होंने लिखी है सूर सुरावली सूर सागर, है ना। फिर आ गए रामदास, रामदास जो है स्पिरिचुअल गुरु थे शिवाजी के। ये क्वेश्चन बड़ा उठता है मराठा जब हम पढ़ेंगे ना, मराठास में जब हम शिवाजी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल गुरु थे शिवाजी के, इन्होंने दसों बोधा लिखी थी, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ तीन ही पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने, हमने पढ़े कबीर, सूरदास, रामदास, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हम जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है रामानुजा। रामानुज, अकॉर्डिंग टू हिम सेल्वेशन कैन बी अचीव थ्रू कर्म, ज्ञान एंड भक्ति। मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्म अच्छे रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कीजिए और भक्ति में अपना मन लगाइए। इन तीन चीज़ों के थ्रू आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर आते हैं नामदेव। नामदेव जो है निर्गुण उपासक थे, मतलब बिना फॉर्म की भक्ति पे ये बिलीव करते थे। सम ऑफ हिज अभंगास आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ अभंगास जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तुकाराम आ गए। तुकाराम जो है ही वॉज ग्रेट डिवोटी ऑफ विठल, विठल के बहुत बड़े उपासक थे, विठल देवता होते हैं साउथर्न इंडिया साइड, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ विष्णु, विष्णु के ही एक फॉर्म है। कंटेम्प्रेरी टू शिवाजी, शिवाजी के समकालीन थे। टीचिंग सिमिलर टू दैट ऑफ कबीर, जो कबीर थे उन्हीं की तरह इनकी टीचिंग्स रही हैं। फिर आते हैं गुरु नानक देव। देखिए गुरु नानक देव जी के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा है, क्योंकि जब हम सिखिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम गुरु नानक देव जी के बारे में काफ़ी कुछ काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो ही वॉज फाउंडर ऑफ सिख फेथ इन इंडिया, जो सिख फेथ था, सिखिज्म था इंडिया में, उसके फाउंडर रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन विलेज तलवंडी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। इनका एम्फेसिस था वन गॉड में, कि भगवान एक ही है तो एक ही भगवान की पूजा की जाए। एंड रिपीटिंग हिज नेम विद लव एंड डिवोशन, पूरे प्रेम के साथ और भक्ति के साथ उन एक भगवान का नाम बार बार जपना चाहिए, ठीक है।
अगेंस्ट आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। स्टार्टेड गुरु का लंगर, जो गुरु का लंगर सिस्टम है वो इन्होंने स्टार्ट किया था। नेम्ड फॉर्मलेस गॉड एज अकाल पुरुष, जो फॉर्मलेस गॉड पे ये बिलीव करते थे कि कोई फॉर्म नहीं है, तो उनको इन्होंने नाम दे दिया अकाल पुरुष का। हिज टीचिंग्स आर कंपाइल्ड इन आदि ग्रंथ, इनकी जो टीचिंग्स हैं वो कंपाइल की गई हैं आदि ग्रंथ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है वल्लभाचार्य, आप इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है ताकि हम पढ़ रहे हैं भक्ति मूवमेंट तो थोड़ा फ्लो में हम इन्हें भी पढ़ लें। नेक्स्ट आता है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो थे ही वॉज डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्णा के डिवोटी थे। लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर, विजयनगर एम्पायर हमने पढ़ा, कृष्णदेव राय जी के बारे में हमने पढ़ा, तो उनके कोर्ट में ये रहते थे वल्लभाचार्य। ही फाउंडेड द पुष्टि सेक्ट, जो पुष्टि सेक्ट था इसके फाउंडर भी ये रह चुके हैं, ठीक है। फिर आते हैं रामानंद, रामानंद जो थे ही वॉज फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके फाउंडर ये माने जाते हैं। ही डिस्कार्डेड द कास्ट रूल्स, जो कास्ट के बेस पे जो रूल्स बने रहते हैं ना अनटचेबल्स एंड ऑल, उनको इन्होंने बड़ा डिसरिगार्ड किया था, ठीक है। फिर आता है तुलसीदास, तुलसीदास ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका हम सबको ही पता है, वो है रामचरितमानस। और इसके अलावा विनय पत्रिका लिखी है, गीतावली कवितावली लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हैं ये हमारे, फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, नरसिंह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ही ऑथर्ड महात्मा गांधी फेवरेट भजन वैष्णव जनों का, जन को ये देख लेना एग्जैक्ट क्या था, बट वैष्णव जन को ये ऐसे बनता है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस अपने जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो जनरल स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें ताकि इन नोट्स का उन्हें भी फ़ायदा हो। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी तक मैंने पॉलिटिक के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स के वीडियोज़ ये सब कम्प्लीट कर दी है, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए, सारी वीडियोज़ आपके सामने अपीयर हो जाएंगी और उसके बाद उन सब नोट्स की आप हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। प्लस राइट नाउ हम इंडियन ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री इन दोनों को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है 80% के आसपास, थोड़ा सा रहा है बट थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।